अपना बीन बजती रहेगी। हम और तुम अपना भेस नहीं बदल सकते, लेकिन आज और किसी तरह से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ये नागराज पूरी तरह से हमारे तंत्र मंत्र में बन चुका है और नागन अब तू शांत हो जा, क्योंकि अब तुझे वही करना है जो जादूगर सैलानी कहेगा। इसी में तेरे नागराज की भलाई। नागराज इस समय हमारे तंत्र मंत्र में पहुंच चुका है, इसलिए शांत हो जा और शांत होकर मेरी बात को सुन कि तुझे करना क्या है। सुन मेरी बात को, तो खुला जो सरोवर नगन और खुला जो सरोवर मेरे फूलाए, खुला जो सरोवर मेरे
गगन से कह दे कि जो सरोवर में फूल खिला है वो करामाती फूल और तेरी मड़ी मुझे ला कर दे दे। सुनिए जादूगर सैलानी, और नहीं प्राण प्यारे तो मेरे नहीं है, मैं कहता हूं नीचे आ जा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नागन मेरे तंत्र से सारी दुनिया क्योंकि जितना देर करेगी उतना ही तेरा नाकरा तड़पेगा। जादूगर सैलानी, तुम पहले मुझसे वादा करो कि वह फूल और मड़ी आते ही मेरे नागराज को छोड़ोगे। घबराओ नहीं नागन, हमें तुम्हारे नागराज की जान की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सिर्फ उस फूल और नाक की मड़ी की। इसलिए जाओ, हम तुझसे वादा करते हैं वो फूल और मड़ी हमें ला कर दे दे, उसके बाद हम तेरे नागराज को अपने तंत्र मंत्र से मुक्त कर देंगे। ठीक है जादूगर सैलानी, अपने नागराज को लेकर चली जाना। मैं जाती हूँ और वो फूल तुरंत लेके आ। तू जादूगर यार रहना, और नागन जैसे ही फूल और मणि लेकर आए मुझे फौरन खबर करना, मैं इस नागराज पे नजर रख। अब
अपने माया भी आने में देखा था। एक फूल और मणि तेरे गुरु को हासिल हो गया। थोड़ी देर में फूल और मणि हमारे मुट्ठी में हो गए और मैं इस संसार का सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा, यानी कि भगवान बन जाऊंगा। लाना खान, देर मत कर, ये फूल और मणि मुझे दे। ये फूल और ये मणि ऐसे आप जादू को नहीं देना लगे, और ना अगर फूल और मणि इसे प्राप्त हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। इसलिए मेरी बात को सुनना दी। इस फूल को सुनो और नाग लोक के लिए जाना दी। मेरी चिंता पर क्यों नागदी, आज मरेंगे और कल दूसरा जन्म होगा। लेकिन नागराज मैं आपको पहचानूंगी कैसी? नागराज आज मरेंगे और कल जब दूसरा जन्म होगा तो दाएं हाथ में सर्प का निशान होगा, और समय फूल और मणि तुम मैं दिखाओगी, मैं तुझे पहचान जाऊंगा। जा तुझे मेरी सौगंध नागनी। नागराज की बात में नहीं आना वरना तेरा नागराज तड़प तड़प कर मरेगा। भला इसी में है कि ये फूल और मणि मुझे दे दे। बोल दे इसकी लग देगी। बहुत समझदार है आप। ठहर जा, ये फूल और मणि मुझे दे दे। तू क्या करेगा फूल और मणि? बउरा गई का, मैं कह रहा हूं फूल और मणि मुझे दे दे। वो राष्ट्र नागराज को बेटी बेटी का सारे फूल और मणि देख कर तेरी नीयत बदल गई है। चुपचाप खड़े रहो नहीं साले बहुत मारूंगा। मैं करेगा फूल और मणि मुझे दे दो। मैं तेरे को समझा रहा हूं, मेरी बात तेरे समझ में नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं ये फूल और मणि मुझे दे दे, वो लाश तेरे नागराज को कष्टाश्र तेरे जादूगर से। रानी सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आप दोनों मां से कौन गुरु और कौन चेला है? अरे मैं गुरु हूँ, ये मेरा चेला है, ये फूल और मणि मुझे दे। बउरा गई तारे नगिनिया, चलो शांति है, जरा अपनी आंखें फाड़ कर दे, जरा अपनी आंखें फाड़ कर दे। ये मेरा चेला है, मैं इसका गुरु हूँ। क्या तुम समझते हो वह फूल और उम्र तुम्हें प्राप्त होगा? क्या भी नहीं जादूगर सलानी, नागदेश फूल को सुनकर नागलोक चले गए। फूल और मणि का इस पर विचार करो, वो तुम्हें कभी नहीं प्राप्त होगा जादूगर सलानी, कभी नहीं होगा। नागराज ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू अपनी नागल को कसम नहीं देता तो आज वो फूल मणि मुझे हासिल हो जाता। तूने जादूगर सलानी से फूल लिया है, उसका अंजाम तू नहीं जानते हो राम चले, मैं तुझे चिंता नहीं छा।
चैलेंज करता है, चैलेंज कर रहा है, मेरे गुरु को चैलेंज कर रहा है। क्या है गुरु? नक्षत्र मैंने क्या किया रे? जीवित होता हम इसे मारते तो हो सकता था कि वो नागन वापस आ जाती, लेकिन ये मैंने क्या किया, क्रोध में आकर जान से मार दिया। क्या कर दिया गुरुदेव? गाय मर गया, तुम मर जाने दे। नक्षत्र इस नागराज ने कहा था मरने से पहले अपनी नागन से इसने बताया था कि आज मरेंगे तो फिर इसका दोबारा जन्म होगा, जन्म होगा, इसके बाद इन दोनों का मिलन होगा, मिलन होगा। इस नागराज का जन्म अवश्य होगा, लेकिन मिलन तब तक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे। नक्षत्र वापस अपने जापान चलते हैं, इंतजार करते हैं इस नागराज के जन्म होने का, होने का, पर इसका जन्म हो जाए। एक नागन में कैसे तुझे नाग लोक से इस पृथ्वी पे बुलाता हूँ। हाँ गुरुदेव, क्या बताऊं भगवान, जिस दिन से हमारे बापू का देहांत हुआ, सावरी क्या बात है, आपका एहसान और ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर आज आप नहीं होती तो मैं संसार में जीवित नहीं रहता, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। और सीमा सरहद माए, अच्छा, और सीमा सरहद माए जा रहा सीमा सरहद पे जा रहा, और जब मैं सीमा सरहद से वापस आऊंगा सबसे पहले तुम्हारी झोपड़ी तक आऊंगा। छोड़ो साहब, आप अगर जाना चाहते हैं आप साहब से जा सकती हैं, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
मुझे कौन सहारा देगा? भगवान नहीं, जिसको हमारे सहारे के लिए भेजे थे भगवान ने, उनको पहले अपने पास बुला लिए मेरे बापू को। अब कौन मुझे सहारा देगा? कि चोरी कर ये, आप मुझसे चाहती क्या है? तुमसे चाहती है बाजा बाजी गिन्ना बाजी। देखो मैं आपसे ये चाहती हूँ, लाइए चुटकी भर सिंदूर, मेरी मां को सजा दीजिए, हमेशा के लिए अपनी पत्नी मुझे, यानी अपनी चरणों की दासी मुझे बना लीजिए। हेलो श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण सिंह डिहवा निवासी है, 11 रुपए का पुरस्कार कर रहे, ये भी सहयोग करेंगे, धन्यवाद। सबरी वाकई में तूने मेरे मुंह की बात को छीन लिया, इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है, सिर्फ छोटू है और इसके सिवा कोई भी नहीं है, तो फिर किस बात की, तैयार हो जाइए। हेलो हेलो सोनू, सोनू ये शोभापुर निवासी है, एक भारतीय खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, दिनो रात चौगुनी करो, बादल चढ़े तो बरसात जरूर होगी, बादल चढ़े तो बरसात जरूर होगी, अगर आप लोग मिलेंगे तो सुहाग रात जरूर होगी, मिलो मिलो तो ऐसे मिलो दिल धड़कने पे मजबूर हो जाए, अरे तई छोड़ दियो एक मिनट का, मिलो तो ऐसे मिलो दिल धड़कने पे मजबूर हो जाए, आग लगाओ सीने में इतनी और आई लव यू कहने पे मजबूर हो जाए। संतराम शर्मा अपने सावरी के लिए, मरेंगे तो किसके लिए? अपनी सावरी के लिए। पक्का? हाँ सावरी, क्या कह दूँ? कह दूँ? हेलो हेलो यारे बासदेव सिंह, बासदेव सिंह सिद्धार्थ प्रवा निवासी है, इनकी ओर से तुम अगर साथ देने मैं गवादा करो, तुम अगर